सक्षम में इलाही को बुझा सकता है कौन, जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन। मंदिर में पत्थर फेंकता है ना मस्जिद पे, कुछ हरामजादे हमारे देश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, घेर लेते हैं। ओके सर, सब अंदर जाओ, जाओ अंदर। जल्दी लेके जाओ, अस्पताल लेके जाओ। हरामजादों को बकवाना मुझे अच्छी तरह आता है, तुम्हारा बाप भी बताएगा। मेरा नाम इंस्पेक्टर अमर है। इस गुंडागर्दी के पीछे किसका हाथ है? जगन, जगन नहीं, जगन्नाथ प्रसाद। इस जगन और गगन के नाथ ने हमें प्रसाद बनाकर इस दुनिया में भेजा है, दुनिया वालों की सेवा करने के लिए। टूटे किसी का दिल तो तड़पते हैं हम गरीब, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में। वैसे कुछ पार्टी करेंगे, जमा कि नहीं जमा भाई? बहुत बहुत जगन सेठ, बहुत। आप तो अंधेरे से भी गुजर जाए तो वहां उजाला हो जाता है। और आपकी पार्टी में रंग न जमे ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। जगन सेठ, ये पार्टी किस खुशी में हो रही है? खुशी का है कि यार हम तो गम में भी पार्टी दे दिया करते हैं। दर्द हो जिसमें हमें वो बात चाहिए, एक हंगामे बेखुदी हमें दिन रात चाहिए। ये क्या बदतमीजी है? जिस शोर गुल से तुम्हें प्यार है जगन्नाथ, ये उसी प्यार का नमूना है। इन गरीबों के जख्म नजर आ रहे हैं तुम्हें? ये लकड़ी इन्हीं के जले हुए मकानों की है, जिन्हें तूने अपनी सियासत की दुनिया में उजाला करने के लिए जला डाला। मैंने? आदमखोर खूनी दरिंदे, भला बनने की कोशिश मत कर। चलो, खुशी हुई जिंदगी में पहली बार किसी ने जगन सेठ के गिरेबान पे हाथ डालने की कोशिश तो की, उसके सामने ऊंचा बोलने की हिम्मत तो की। मैं ऊंचा बोल ही नहीं रहा, बल्कि तुझे इतनी ऊंचाई पे लटका दूंगा कि तू दोबारा अपने मनहूस कदम इस दुनिया में न रख सके। चल मेरे साथ। आप लोग पार्टी जारी रखिए, हम अभी आते हैं। सरकार, आपकी जेब के तराजू में नोटों के ढेर लगा दूंगा, बस
एक घंटे के अंदर अंदर जगन सेठ जेल के बाहर होने चाहिए। इस एक घंटे की कीमत मांगे होगी। ठीक है, हम अभी तुम्हारा काम किए देते। धन्यवाद। जगन सेठ, आप जैसे समाज सेवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया, इसकी क्या वजह? पुलिस ने नहीं, एक सर फिर इंस्पेक्टर ने, जो नाम वालों के नाम पर कीचड़ उछाल कर रातों रात अपना नाम ऊंचा करना चाहता। क्या आप ऐसे पुलिस वालों के लिए कोई पैगाम देना चाहेंगे? हाँ, अगर ये पुलिस वाले हम जैसे देशभक्तों और शरीफों को परेशान कर सकते हैं तो आम जनता को तो जीना ही मुश्किल कर देते होंगे। ये जरूर लिखिएगा सर। एक और? नहीं, बस इतना काफी, आगे पूछने की जरूरत नहीं है। सर, बड़ी मुश्किल से मैं जगन को गिरफ्तार करके लाया था और आपने इतनी आसानी से उसे जाने दिया। और क्या करता, बिना किसी गवाह, बिना किसी सबूत और बिना किसी जुर्म के मैं उसे लॉकअप में बंद करके कैसे रख सकता था? जी, कोई गवाह नहीं था। वो मंगलू जिसे मैंने रंगे हाथों फसाद करते हुए पकड़ा था, गवाही देने के लिए तैयार था। उसकी गवाही काफी नहीं थी आपके लिए? आई एम सॉरी अमर, मैं मजबूर हूं। आप जैसे अफसर मजबूर हैं, फिर हमारे जैसे अफसर तो मरे हुए हैं। बेजान कठपुतलियां हम लोग, जिनके मुर्दा जिस्मों को जबरदस्ती वर्दियां पहना दी गई। आप मजबूर हैं नहीं सर, आपको मजबूर कर दिया गया है। जब ऊपर से दबाव पड़ता है तो नीचे वालों को दबना ही पड़ता है, जबान बंद रखनी ही पड़ती है और लॉकर के दरवाजे खोल देने पड़ते हैं। अमर सर, किस काम की ये वर्दी जो किसी मजलूम को जुल्म से ना बचा सके? किस काम का यह होता जो किसी दौलतमंद मुजरिम के गिरेबान तक ना पहुंच सके? कभी गलती से उनके गिरेबान पे हाथ डाल दिया तो वह अपनी दौलत की तलवार से कानून के हाथ काट देते हैं। सर, ये रोज रोज के हाथ कटवाना, अपनी जमीन को फांसी लगवाना, आपको मुबारक हो। मुझे ये सब नहीं होगा। मैं सिर्फ एक बार मरने के लिए पैदा हुआ हूं, बार बार मरने के लिए नहीं। आज शाम तक मेरा इस्तीफा आप तक पहुंच जाएगा। चलिए जगन भाई, आपका काम तो हो गया। आप पुलिस स्टेशन गए भी, बाहर भी आ गए, लेकिन हमने आपको लॉकअप के अंदर की हवा तक नहीं सूंघने दी। अब जरा मेरी जेब के पोलिंग बूथ में आपका वोट पड़ जाए तो जिंदगी के इलेक्शन का मजा आ जाए। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। जगन भाई, आप इतने खामोश क्यों हैं? चंपकलाल जी, मैं शायद पिछले जन्म में सांप था। सांप जिस तरह अपने दुम पर पैर रखने वाले को डस न ले, उसे चैन नहीं आता है। उसी तरह मैं जब तक अपने दुश्मन को तड़पा तड़पा कर घिनौनी मौत न मारूं, मेरे मन में बदले का जहर उबलता रहता है। मैं उस हरामजादे अमर को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शांति शांति, भूल कर भी जल्दबाजी में कदम मत उठाना जगन भाई। मैं बड़ी मुश्किल से ऊपर वालों को मना कराया हूँ। नहीं चंपकलाल जी, उसने भरी महफिल में मेरी बेइज्जती की और बेइज्जती पर तो मैंने अपने सगे बाप को मार डाला था। वो साला किस देखची का मसाला है। शांति शांति जगन बाबू, थोड़ी देर के लिए अपने दिमाग के जहर को ठंडा रखिए। जब जब लोग इस केस को भूल जाए, आप टक्कर बदला लीजिए, मैं हूँ। नहीं होने दूंगा। शेरा की धमकी के मुताबिक अगर उन 25 कैदियों को रिहा नहीं किया गया तो वो बस के तमाम मुसाफिरों को एक एक करके खत्म कर देगा।
अगर हमने उन कैदियों को आजाद कर दिया तो वो खतरनाक मुजरिम न जाने कितने मासूमों के खून से जमीन को रंग देंगे। सुनिए, मैं आप लोगों के जज्बात को समझता हूं और ये भी जानता हूं कि ऐसे मौके पर आप तो क्या दुनिया का कोई इंसान खामोश नहीं बैठ सकता, लेकिन आपने उन डाकुओं को पकड़ने के लिए अभी तक किया क्या है? आप लोगों के रिश्तेदारों को बचाने के लिए हम कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन हम आपकी झूठी तसल्लियों से चुप बैठने वाले नहीं है। चिल्लाने और शोर मचाने से कुछ नहीं होगा। मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि आप सब मिलकर हमारा साथ दीजिए। मैं वादा करता हूं कि बहुत जल्द बस के मुसाफिरों को सही सलामत अपने अपने घर पहुंचा दिया जाएगा। शेरा ने यह ऐलान किया है कि अगर उसके 25 साथियों को रिहा न किया गया तो वो एक एक करके अगवा किए हुए सारे लोगों के टुकड़े टुकड़े करवा देगा। भाई वाह, क्या धमकी है! सरकार को हिलाने का काम जो बड़े बड़े अपोजिशन लीडर नहीं कर सके, शेरा ने कर दिखाया। यह प्लान अकेले शेरा का नहीं था, इस नाचीज का भी था। दिमाग की ताकत हमारी थी, बाजू की ताकत शेरा की थी। जी जी, वो तो है। हुजूर की अकल के कदमों पर तो बड़े बड़े पहाड़ तक सर झुकाते हैं। अब देखिएगा, ये सरकार कागज की कश्ती की तरह कैसे डगमगा जाती है। यहाँ एक बच्चा या औरत मारी गई और वहां सरकार ने घबरा कर फौरन उन 25 कैदियों को छोड़ दिया। पर जगन से, आप उन 25 कैदियों का करेंगे क्या? हंगामे, दंगे, फसाद, उन कैदियों को देश के कोने कोने में भेजेंगे, फिर धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, सियासत के नाम पर इतने हंगामे कराएंगे कि ये सरकार हिल कर रह जाएगी। जगन से, आप इतने बड़े हंगामे तो मत करवाइए, कहीं ऐसा ना हो कि बलवे की आग हमारे दामन तक पहुंच जाए। आग हमारे दामन तक न पहुंचे, इसीलिए तो आपको रखा है। हम आग लगाते जाएंगे, आप बुझाते जाइएगा। बहुत देर से मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। आप मेरा इंतजार कर रही थी? कहिए क्या बात है। बैठिए, बताती हूँ। बैठूं? डरिए मत, मैं आपको कहीं भगा कर नहीं ले जाऊंगी। जी हम डरते तो कभी किसी से नहीं। लीजिए बैठ गए, बताइए जाना कहाँ है। अमर, तुमने इस इलाके से डाकू शेरा के कदम उखाड़कर अपनी बहादुरी का सबूत दिया है। सर, डाकू शेरा के कदम पूरी तरह उखड़े नहीं, क्योंकि शेरा सिर्फ डाकू ही नहीं, बहुत बड़ा टेररिस्ट भी है। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि हर टेररिस्ट के पीछे किसी न किसी बड़े आदमी का हाथ जरूर होता है। और सबसे पहले मुझे उस आदमी का हाथ काटने। तुम्हें किसी पर शक है? शक तो है सर, लेकिन सबूत नहीं मिल रहा। कौन है वो? जगन सेठ। जगन सेठ बहुत बड़ा दौलतमंद है ना, इसलिए उसने दौलत की चादर के नीचे अपने गुनाहों को दफन कर रखा है। मुझे उम्मीद है कि एक ना एक दिन तुम उसके खिलाफ सबूत जरूर ढूंढ निकालोगे। आनी जी, गुड विशेस सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। उसे कुचल के रख दो। सोच रहा हूं मेरी जान बचाने के लिए आपने अपने पैर गंवा दिए और सच्चाई के रास्ते पर चलते हुए मैंने अपनी वर्दी गंवा दी। नतीजा क्या निकला? कुछ भी नहीं। जुल्म भी वैसे ही जिंदा है और जालिम भी वैसे ही जिंदा है। इसीलिए मैंने तुम्हें यहां बुलाया। आप हुक्म कीजिए, आपके लिए मेरी जान हाजिर है। अमर, मेरी पोती। जी दयाल साहब, क्या कह रहे हैं? क्या हुआ आपकी पोती को? मैं बताती हूँ अमर साहब, सीमा अपनी एक सहेली की शादी अटेंड करने बस में बेंगलोर जा रही थी। अचानक रास्ते में डाकू ने हमला किया और बस में बैठे हुए तमाम लोगों को
अगवा करके ले गए। अगवा कर लिया? किसने? शेरा ने। शेरा डाकू? हाँ बेटा, तुम तो जानते हो कि उससे मेरी पुरानी दुश्मनी है। अगर उसे ये पता चला कि सीमा मेरी पोती है तो पता नहीं वो उसके साथ क्या सलूक करेगा। बेटा, ये पूरा हाथ जोड़कर तुमसे अपनी पोती की जिंदगी की भीख मांगता है। दयाल साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? आप क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं मुझे? आपने तो मुझे औलाद से भी ज्यादा प्यार दिया है। मुझे पढ़ाया लिखाया, पुलिस की वर्दी दिलवाई, और उस दिन अपनी जान पर खेलकर मुझे नई जिंदगी दी आपने। मेरा तो हर सांस आपका कर्जदार है। आप हुक्म दीजिए दयाल साहब, मैं अपनी जान पर खेलकर भी सीमा को उन दरिंदों के चुंगल से बचा कर लाऊंगा। आप मुझ पर भरोसा रखिए दयाल साहब। हाँ, मैं जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। क्या हुआ बाबा? बच्चों की याद आ गई है बेटी, न जाने वो लोग किस हाल में होंगे। मेरे सिवा इस दुनिया में उनका कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। धीरज रखो बाबा, सब ठीक हो जाएगा। और भी मेरे दादा दयाल तो पुलिस कमिश्नर रह चुके हैं। उनकी इस डाकू शेरा से बहुत पुरानी दुश्मनी है। जब उन्हें मालूम पड़ेगा इस डाकू ने उनकी पोती को उठा लिया है, तो हमें बचाने के लिए जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। सच बेटी? हाँ बाबा, लेकिन मैं उनकी पोती हूँ, इस बात का किसी को पता ना चले। आदाबर। जीते रहो बेटा, कैसे आना हुआ? खैरियत तो है? रहीम चाचा, जब मैं पुलिस ऑफिसर था, आपने कानून के दुश्मनों के नाम और पते बताकर मेरी बहुत मदद की थी। आज मैं एक कड़े इम्तिहान से गुजरा हूँ, मुझे आपकी मदद चाहिए। हुक्म करो बेटा। मुझे कासिम अली और करण का पता चाहिए। करण के बारे में तो फिलहाल कुछ खबर नहीं है, अलबत्ता कासिम अली कहाँ होगा ये मैं जानता हूँ। कहाँ होगा इस वक्त? मुंगी लाल लल्लू चंद बेईमान चंद फकीर लाल, मेरा नाम कासिम अली बरकत अली शमशेर बहादुर नवाब तोपची है। जब मैं मिलिट्री में था तो इन हाथों से इतनी गोलियां चला चुका हूं कि बंदूक से निकली हुई गोली अगर मेरे हाथों की पकड़ में आ जाए तो अंदर ही फड़फड़ाकर दम तोड़ देगी, साले बाहर नहीं निकलेगी। इसीलिए कहता हूं कि दोबारा कभी भी कासिम अली बरकत अली के साथ चीटिंग करने की कोशिश मत करना, ना ही आस्तीन से पत्ते निकालने की कोशिश करना, वरना जब तू घर लौट कर जाएगा बेटा तो ना तेरे पास हाथ रहेगा और ना ही आस्था। समझ गया? समझ गया। अब निकल ले लल्लू, पतली गली से खंबा बचा के भाग। चल बे चपड़ गंजू, चल। एक 300 की चाल मेरी, एक 300 मेरी भी। चाल का माल तो डाल बाप। बड़ा बेभरोसे का आदमी है बे साला, मर जाएगा तो कफन नसीब नहीं होगा, बीवी फटेली साड़ी में लपेट कर डाल आएगी अंदर। ये ले 1000 की अंगूठी है, इसमें से 300 डाल रहा हूं, शो कर जल्दी। कासिम अली बरकत अली जंग बहादुर नवाब तोपची की अंगूठी को तू हाथ लगा रहा है? जब हमने कह दिया 1000 की है तो 1000 की है, और अभी भी समझ में नहीं आया तो तेरे को समझा कर बताऊ? नहीं समझ गया। समझ गया बाप। शोगर। गुलाम बेगम बादशाह। बहुत मारूंगा साले अगर हाथ लगाया तो, देखने दे पहले। भूतनी के गुलाम बेगम बादशाह। गुलाम बेगम बादशाह की औलाद क्या है भैया? इक्का बादशाह बेगम हो गया मुकाला। साला कासिम भाई की अंगूठी को हाथ लगा लिया था। अच्छा कासिम अली बरकत अली जंग बहादुर नवाब तोपची चलता है इधर से, खुदा हाफिज। चल बेटा हसन, अब तुझे तेरे अब्बू से कोई शिकायत नहीं रहेगी, बाप बेटा मिलकर जम के मौज मनाएंगे। कासिम भाई। कासिम भाई। अबे कौन है बे? कासिम भाई।
अब ओए सांस क्यों फूल रही है, कासिम से भाई तक पहुंचने में 10 मिनट का टाइम क्यों लगा रही है, जल्दी बोल बात क्या है। अच्छा कासिम भाई आप मुझे यहाँ मिल गए, मैं आपको घर से ढूंढता यहाँ आया हूँ। क्यों बे मारना चाहता है क्या, खैरियत? खैरियत ही तो नहीं है भाई, आप तो जानते हैं जब भी मुझे पैसों की जरूरत पड़ती है मैं आपके पास चला आता हूँ। कुछ मांगने आया क्या, बोल बात क्या है। आज आज मुझे इनकार मत करना, मुझे बहुत जरूरत है कासिम। अबे ओ उल्लू के पट्टे, परसों जो तेरे को पैसे दिए उसका क्या हुआ? कासिम भाई वो बेटे की दवा पे खर्च हो गए थे। कासिम भाई आज मेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब हो गई है और डॉक्टर बोलता है उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैं मदद के लिए सबके पास गया, मुझे मुझे कहीं से पैसा नहीं मिला कासिम भाई, ले लेकर तुम्हें मेरे कार आओ, मेरे बच्चे को बचा लो कासिम भाई, मेरे बच्चे को बचा लो, नहीं तो वो मर जाएगा। खुदा के लिए मेरे बच्चे को बचा लो कासिम भाई, खुदा के लिए मेरे बच्चे को बचा लो, मेरे बच्चे को बचा लो कासिम भाई, मेरे बच्चे को। बहुत बहुत शुक्रिया कासिम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया कासिम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। इसीलिए कोई काम सही वक्त पे शुरू नहीं होता, ना ही मैं तुझे सही वक्त पे लेने आता हूँ, ना ही तुझे सही वक्त पे घुमाने ले आता हूँ, और ना ही मेरा कोई सही वक्त शुरू होता है। लेकिन घबराना मत बेटे, एक दिन वक्त बड़े जोर शोर के साथ बदलेगा, अल्लाह मेरे पुराने कड़के तुझको उधार एक दिन में यूं उतार कर रख देगा। अब तो मुस्कुरा मेरे लाल। क्यों मुस्कुराओ? खामोश। अब्बा। हाँ बेटे। अब की बार तो हम छुट्टियों पर घूमने जाएंगे ना? हाँ हाँ प्रोग्राम तो बनाया था मगर वो। अगर मगर कुछ नहीं, देखिए अब्बा आपने पिछली बार पक्का वादा किया था कि हम इस बार जरूर चलेंगे। हाँ वादा किया था वो मुझे अच्छी तरह याद है, मगर 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 क्या, इस बार वही पैसों का मसला बीच में आ गया। मैं हर साल यही खाद देख देख के गुजारता हूँ कि छुट्टियां होते ही अपने अब्बा के साथ मैं कहीं घूमने जाऊंगा। मैं क्या करूं बेटे, हर बार की तरह मैं इस बार भी शर्मिंदा हूँ। मेरा मतलब ये बेटे, ये देखो इस कमबख्त हाथ में पैसा टिकने की लकीर ही नहीं है, देखो कहीं है कुछ नहीं। पैसा आता है, थोड़ी देर ठहरता है और फिर छिटक जाता है। अब्बा आप दूसरे बच्चों के बाप की तरह कुछ काम क्यों नहीं करते? क्या करूं बेटा, कौन सा काम, पहले मिलिट्री में था तो तेरी मां की बीमारी की वजह से छोड़ देनी पड़ी, तभी तो छोटा था अकेला था और अपना कोई रिश्तेदार भी नहीं था, लाख कोशिशों के बावजूद भी वो न बच सकी, तकदीर ने उसे उठा लिया और तू मासूम मेरी गोद में अकेला रह गया, इसीलिए उल्टे सीधे हाथ मार के पैसे कमाता हूं कि मेरी तो फिर भी गुजर जाएगी लेकिन मेरे बच्चे को किसी किस्म की तकलीफ ना हो। अब्बा ले लीजिए। इतने रुपए तेरे पास कहां से आ गए? मैं अपने रोजाना जेब खर्च से बचा कर रखता हूँ, मुझे मालूम है आप मेरे लिए बहुत तकलीफ उठाते हैं, फिर मैं आपकी कमाई फिजूल खर्च में कैसे उड़ा सकता हूँ? या अल्लाह परवरदिगार अपने गुनहगार बंदे को इतना मत गिरा, उसे अपनी मासूम औलाद के आगे हाथ फैलाना पड़े। कौन आ गया भाई, बाप बेटे के बीच इस वक्त कौन आ गया, अभी देख लेता हूँ कौन है। बे माफ करना इंस्पेक्टर साहब, खुदा की कसम मैंने कुछ नहीं किया। खुदा अब तो आप इंस्पेक्टर रहे नहीं तो मैं खामोखा काय को भी दगे आऊं। माफ करना मैं अपनी घबराहट वापस लेता हूँ। आधा बजे अंकल। आधा बजे
जनाब की तारीफ? अजी जितनी की जाए कम है, इसलिए कि मेरे साहबजादे हैं ना, नवाब हसन अली, शमशेर अली, मोहम्मद अली, गुलाम अली, नजाकत अली, कली मगर तोपची। हसन मियां, स्कूल में पढ़ने जाते हो? वेरी गुड वेरी गुड। आप एक काम करो, ये लो जाओ जाकर आइसक्रीम खाओ। जी शुक्रिया, आपको अब्बा से बात करनी है, मैं वैसे ही चला जाता हूँ। तो बड़ा खुददार है। हाँ तो फरमाइए। 1,00,000 रुपया कमाना चाहते हो? 1,00,000? हाँ, काम जरा खतरनाक है। अरे काम की तो माट। 1,00,000 में ज्यादा शहद उड़का सकता हूँ भाई जान। मुझे कसाई की दुकान नहीं खोलनी, कान खोलकर काम सुन लो। अरे सुनने सुनाने में कोई दम नहीं है भाई जान, कसम खुदा की कोई दम नहीं है। बोलो कब काम चल रहा? बोलो। देखो इस काम के लिए मुझे एक और लड़की की जरूरत है। कौन? वो करण। वो मंकी ब्रांड यानी बंदर छाप, अंग्रेज की औलाद, जो देखने में अंग्रेज, फांदेबाजी में चंगेज। मिला लो, बुला लो, हमें कोई एतराज नहीं भाई जान। लेकिन एक बात का ख्याल रखना, छोरा बहुत हरामी है, सवेरे से लेकर रात तक साले का सिर्फ एक ही चक्कर रहता है। मीना? हाँ। पैकेट लाए हो? हाँ। तो चलती दो ना। दे रहा हूँ मिस मीना, दे रहा हूँ। क्या हुआ? बिस्मिल्लाह क्या हुआ? क्या हुआ? आज तक तुम्हारे लिए जितने भी पार्सल डिलीवर किए, वो गांजा, हशीश या हेरोइन के थे, लेकिन मौत का पार्सल मैंने कभी डिलीवर नहीं किया। ये वो पैकेट है जिसका जहरीला पाउडर खाते ही मीना मर गई। अरे हमारे धंधे में ये सब तो होता ही रहता है। तुम्हारे धंधे में होता होगा डैंग, मेरे धंधे में नहीं। उस लड़की ने मरते हुए इन्हीं बाहों में दम तोड़ा है और अब मैं उसी तरह तुम्हें तड़पते हुए देखना चाहता हूं। खाओ इसे। Nein, 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 nein
डैन, तुम सिर्फ 10 मिनट तक जिंदा रह सकते हो और यहां से हॉस्पिटल का रास्ता 5 मिनट का है। अपने आप को बचा सकते हो तो बचा लो। आ गया पता चला करण का? नहीं, मैंने उसके सारे अड्डे छान मारे, लेकिन उस बंदर छाप मंकी ब्रांड का कहीं को पता नहीं चला। हाँ, इतना सुना है कि उसने किसी डैंग नाम के आदमी का खून कर दिया है और डैंग के आदमी उसके पीछे पागल कुत्ते की तरह पड़े हुए हैं। सर, 1 लाख तो ठीक है, मगर जान जाने का खतरा है, क्योंकि सुना है डाकू शहर के दर में जाते हुए यमराज को डर लगता है, तो अपन क्या है? सॉरी, और कोई काम पड़े तो बुला लेना। क्यों बे बंदर छाप, राल टपकने लगी सारे। आपकी गाड़ी? ये अनीता और ये हैं मिस्टर करण। इन्हीं की छोटी बहन को शेरा ने अगवा किया है। जब परी इतनी खूबसूरत है तो छोटी खूबसूरती में मले की छोटी होगी। मैं
मैं सोच रहा था कि आप पढ़े हैं और इतनी विनती कर रहे हैं तो इनकार करना बुरी बात है, बदतमीजी है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ चलने के लिए तैयार हूँ। मैं जानता था करण कितना नेक लड़का है तू। कासिम सुना तूने, अब तो लगता है 1 लाख रुपया भी नहीं लेगा ये। जी केला खा बेटे, केला खा। कासिम बेटे तू रो रहा है, शेर बच्चे रोया नहीं करते। और फिर मैं जो जा रहा हूँ ना, सिर्फ अपने बेटे के लिए जा रहा हूँ, ढेर सारे नोट कमाने के लिए, ढेर सारे। फिर देखना ये मनहूसियत हमेशा हमेशा मिट जाएगी, उसके बाद हम बाप बेटा हमेशा साथ साथ रहा करेंगे, छुट्टियों में साथ साथ घूमने जाया करेंगे, हिल स्टेशन जगह जगह सब जगह। सच अब्बा? हाँ बेटे सच है। हसन इधर आओ, आओ। क्या बात हो रही थी अपने अब्बा से? अंकल मेरे अब्बा खतरों से हमेशा खेलते ही रहते हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है, आप उनका ख्याल रखना। अरे पगले, जिस अब्बा का इतना प्यारा सा बेटा हो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, खुदा हमेशा उसके साथ होता है। और फिर अपने अंकल पे भरोसा नहीं है ना? ऐसी कोई बात हुई ना तो मैं हूं। हाँ जा खेल खेल। अमर भाईजान बड़ी भूख लगी है, चल के किसी ढाबे पे खाना खाते हैं। अरे वो रहा सामने फगवाड़े का ढाबा, आए पापा जी दा ढाबा, ओए शाबाश। हाँ देखो मोटा गैंडा खाना खा रहा है, क्यों बे मोटे? भाई क्या है, पैसा हो तो मिल जाती है ही।
भैया पीर न पैसा पीर सबसे बड़ा है ईसा पीर, ईसा पीर न मूसा पीर सबसे बड़ा है पैसा पीर। पैसा औरत और जमीन दुनिया के हैं दुश्मन तीन, डर है इनकम टैक्स का चैन से सोए गंगारी। ओ पैसा गोरा है या काला कोई नहीं ये पूछने वाला, मास्टर चाबी पैसा ही है खोल रहा है सबका ताला। ओ पैसे वाली है वो काली भी लगे है तो बुढ़िया भी लगे है छोरी छोरी। पैसा हो तो अरे पैसा हो तो काणी का भी लग जाता है तीर, भैया पीर न पैसा पीर सबसे बड़ा है ईसा पीर, ईसा पीर न मूसा पीर सबसे बड़ा है पैसा पीर। ईसा पीर न मूसा पीर सबसे बड़ा है पैसा पीर, भैया पीर न पैसा पीर सबसे बड़ा है ईसा पीर, सबसे बड़ा है ईसा पीर सबसे बड़ा है मूसा पीर। ईसा पीर न मूसा पीर सबसे बड़ा है पैसा पीर, भैया पीर न पैसा पीर सबसे बड़ा है ईसा पीर, सबसे बड़ा है पैसा पीर सबसे बड़ा है ईसा पीर, सबसे बड़ा है पैसा पीर सबसे बड़ा है मूसा पीर। यह है बीनापुर, यहाँ शेरा ने दहशत मचा रखी है, अब कैसे भी शेरा को ढूंढना है। यानी भूतनी वाले डाकू का इलाका शुरू हो गया। बिल्कुल शुरू हो गया। अब तुम दोनों आंख को दूरबीन और कान को ट्रांसमीटर बना लो, बी अलर्ट। चटका मारा, तमाचा नहीं मारा, मतलब चांस है। सुनिए क्या है आपका नाम? तुमसे मतलब? मतलब मैं यहाँ एक फिल्म बनाने आया हूँ जिसके लिए मुझे एक कलेजा फारू हीरोइन की जरूरत है। मेरी फिल्म में काम करोगी? सच? तुम फिल्म बना रहे हो? हाँ, इश्क पे, मोहब्बत पर। कहानी तुम्हारे ऊपर शुरू होती है और तुम्हारे ऊपर ही खत्म हो जाती है। बोल, कौन है ये जिसके साथ अंग से अंग लगा के तू बात कर रही थी? कोई अजनबी है, कहता फिल्म बनाने आया हूँ। फिल्म बनाने आया है या तेरी फिल्म उतारने आया है, हरामखोर? अरे ओ पहलवान, जरा आहिस्ता, नाजुक लड़की है, टूट जाएगी। तू कौन है? हुस्न का पुजारी हूँ, खूबसूरती का आशिक हूँ, मजनू के रिश्ते से लैला का ताबेदार हूँ। चलो श्री,
फरहाद तुम्हें लेने आया है। चल मेरी लैला अपने मजनू के साथ ले लो ले लो। थैंक यू रिटेर यार। इजाजत के बगैर बाहर गए, लौंडिया का पीछा किया। अरे क्या यार बात करने दे। जब तुमने गुड़ खाया है जी भर के तो बेटे जरा अचार का मजा भी सॉरी ले लो। लेकिन लेकिन अरे लेकिन क्या तो बोले दे यार। भाई साहब मदद करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। अरे ये बोलते हैं बिल्कुल मदद नहीं करनी चाहिए, मदद तो किसी शरीफ आदमी करनी चाहिए ना। जी हाँ। ये बोलते हैं किसी शरीफ आदमी क्या हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। Thank you.
करण। अमर, अगर वो भागे तो हमें शेरा का पता कैसे चलेगा? वो भागेगा तभी शेरा का पता चलेगा। जिसने शेर के जबड़े में हाथ डालने की कोशिश की है, कौन है वो जो मेरे आदमियों का खून करके उनके खून की स्याही से अपने मौत के परवाने पर दस्तखत कर रहा है? कुंदन कैसे जख्मी हो गया? बाकी तीन लोग कहां गायब हो गए? भीमा! जी सरदार। शेरा की शहनशाहियत में खून बहाने का हक सिर्फ शेरा को है, फिर ये खून बहाने की हिम्मत किसने की? पता नहीं सरदार। कुंदन, कुंदन जवाब दो, किसने तुम्हें जख्मी किया? जुबान खोलो, बोलो कुंदन। इसके जख्म को देखो, जख्म बहुत गहरा है, भरने में काफी दिन लग जाएंगे। सरदार, ये तो आपका भाई है। शेर सिंह लंगड़े घोड़े और जख्मी साथी को गोली मार दिया करता है, चाहे वो उसका भाई ही क्यों ना हो। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। हमारे किसी साथी को पुलिस पकड़ नहीं पाई और आज एक ही दिन में हमारे चार आदमी भी मार दिए गए। आंधी और तूफान की तरह चारों तरफ फैल जाओ, पहाड़ों का चप्पा चप्पा छान मारो, वो जो भी हो उन्हें हमारे सामने पेश करो, मगर जिंदा। मर गए तो उनके सीने में छुपा हुआ राज भी मर जाएगा। जाओ। कहाँ है तीनों? मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम।
तीन आदमी कौन थे जिन्होंने हमारे आदमी को जख्मी किया? वो सामने की पहाड़ी पे शेरा काटता है जिसके चारों तरफ उसके आदमियों का सख्त पहरा है। अगर हम सामने के रास्ते से गए तो उसके आदमी हमें गोलियों से भून के रख देंगे, इसलिए कि उनके पास लेटेस्ट हथियार है। इसका मतलब है शेरा की पीठ पर देशद्रोहियों का हाथ है। अब क्या करेंगे? देखो, जहां जिस्म की ताकत कम पड़ती नजर आए वहां दिमाग इस्तेमाल करना चाहिए। सुनो कासिम, करण तुम भी सुनो, हमें कोई और दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। चलो। करन, आजम भाई मुझे बहुत नींद आ रही है यार। तेरी नींद की जात का भुरता मारो उल्लू के पट्टे, बंदर छाप साले, कभी कभी काम की बात भी सुन लिया कर। कौन से काम की बात यार? देख मैं, शेरा के पास लाखों का माल है। वो माल अगर हमारे हाथ आ गया ना तो हम लखपति बन जाएंगे। लेकिन ये माल हमें मिलेगा कैसे? अरे वो बंदर छाप, सीधी सी बात है, शेरा के अड्डे पे जब हम दयाल की पोती को छुड़ाने जाएंगे ना, उसी दौरान शेरा का हम सारा माल हथिया लेंगे। हप! नहीं। अनीता? अनीता, तुम यहां इस वक्त? मैं अपनी बहन को बचाने आई हूँ। जब तक सीमा शेरा की कैद से रिहा नहीं हो जाती मैं आप लोगों के साथ ही रहूंगी। तुम क्या समझे हम तीन आदमी से बचा नहीं सकेंगे? हम बेकार हैं, वापस जाओ यहाँ से। तुम अमर, तुम भी कमाल करते हो यार। शेरा के आदमी इस जंगल के चारों तरफ फैले हुए हैं, ये अकेली लड़की, खुदा न खास्ते रास्ते में अगर इसे कुछ हो गया तो। ओके, लेट्स गो। भीमा, आज हमारे दिल में रहम की मौजें उठ रही हैं। जी चाहता है कि हम किसी के ऊपर मेहरबानी करें। मैं कुछ समझा नहीं। दिल करता है कि आज हम एक कैदी को आजाद कर दें ताकि वो हंसता खेलता दौड़ता हुआ अपने बीवी बच्चों के पास जाए। ऐसी गलती मत करना सरदार। ये गलती तो हम जरूर करेंगे भीमा। अरे जरा सोचो तो सही, जब वो कैदी हमारी कैद से छूटकर अपने घर जाएगा तो उसके घर वाले कितने खुश होंगे, वो हमें कितनी दुआएं देंगे। तुम में सबसे बुरा कौन है भाई? डरो मत, आज शेरा मेहरबानी की मौज में है। बोलो, कौन है तुम में सबसे बुरा? आज हम उसे आजाद करके घर भेजना चाहते हैं। बोलो। मैं बुरा हूँ। अरे भाई भीमा, तुम ही फैसला करो कि दोनों में से कौन बुरा है। जाओ, तुम आजाद हो, अपने घर जाओ। इससे पहले कि हमारी दया का सागर सूख जाए फौरन यहां से चले जाओ। भगवान आपका भला करे, भगवान आपका। बस बस बस, हमें दुआएं मत दो, हम भगवान भगवान को नहीं मानते। तुम्हें आजाद किया है, तुम फौरन यहां से चले जाओ। जाओ जाओ जाओ, शाबाश शाबाश, जाओ। भीमा। जी सरदार। बूढ़ा कितनी दूर पहुंच गया होगा? करीब करीब पौना मील तो पहुंच गया होगा सरदार। हमारी नई वाली लाओ। वाह,
क्या बढ़िया निशाना है सरदार। बहुत अच्छी है, ऐसी ही एक दर्जन और खरीद लो। नहीं, मैं मरना नहीं चाहता। मजबूर लोगों को जिंदगी की लालच देकर आपकी सूरत दिखाता है और एक एक करके सबको मार डालेगा, सबको मार। इस पहाड़ी के चारों तरफ हमारी मौत के इतने साए फैले हुए हैं कि उस यमदूत शेरा को दोजख तक पहुंचाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन दिखता है। कैसी बातें कर रहे हो कासिम? ये बुजदिल कब से हो गए तुम? हम तूफान से टकराने वाले वो मौजे हैं जिन्होंने ना जाने कितनी चट्टाने ढेर कर दी। अब जब मंजिल करीब है तुम लौट जाने की बात कर रहे हो? नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन यहाँ चारों तरफ मौत का बारूद फैला हुआ है। देखो कासिम, हम लोग इस रास्ते से नहीं जाएंगे बल्कि हम पीछे से इन चट्टानों से होकर जाएंगे। ये रास्ता खतरनाक जरूर है, लेकिन इस चढ़ाई से ज्यादा खतरनाक है शेरा के वो आदमी जो यहाँ पहरा दे रहे हैं। उनकी नजर हम पर नहीं पड़नी चाहिए। ये काम मैं संभालूंगी। नहीं नेता, इसमें जान जाने का डर है, इसलिए इतना बड़ा रिस्क तुम्हें नहीं लेने दूंगा। आप बेफिक्र रहिए, मुझे कुछ नहीं होगा। Are you sure? Sure. Best of luck. Thank you. Anita, कहते हैं इंसान जब शैतानों के बीच गिर जाता है तो ऊपर वाला इंसान का साथ देता है। कोई मुश्किल आन पड़े तो ऊपर वाले को याद कर लेना, वो तुम्हारी हर मुश्किल आसान कर देगा। अपना ख्याल रखना। Thank you.
सरकार, मेरे पास एक खबर है जिसे सुनकर सरदार खुशी से पागल हो जाएगा, मगर मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? तुम्हें मुझको छोड़ना पड़ेगा। ठीक। बेयाल की पोती। हमारे खेमे में ले आओ। मेरी बादशाहत में खलल डालने वाली दयाल की पोती, मैं तेरी जिंदगानी में वो खलल डालूंगा कि तेरे दादा का बुढ़ापा और भी भयानक हो जाएगा। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। अरे छोड़ दो ना, कहाँ ले जा रहे हो मुझे? ए, क्या शोर मचा रखा है? भीमा, कौन है ये लड़की? सरकार, छोड़ना। सरकार, मैं बंजारन हूँ। वो वहां से चलते हुए जा रही थी और अब क्या आदमी मुझे पकड़ के ले आए। क्या करती हो? हुजूर, नाच गाकर लोगों का दिल बहलाना मेरा पेशा है। सरदार, हम लोगों का भी दिल बहले कई महीनों हो गए। ठीक है, इस बंजारन के साथ हमारे दुश्मन दयाल की पोती भी नाचेगी। Thank you.
लोगों ने मेरी पोती ही नहीं इस घर की जिंदगी लौटा दी है। एक ऐसा एहसान किया है मुझ पर जिसका बदला मैं अपनी जान देकर भी नहीं चुका सकता। ये लीजिए, वादे के मुताबिक 1,00,000 रुपए। मंकी ब्रांड, फॉलो मी। अमर त्याल साहब, आपने जिंदगी भर मुझ पे एहसान किए हैं। अगर आज मैं आपके किसी काम आ गया उसके इब्स में आप मुझे रुपए दे रहे हैं, शर्मिंदा मत कीजिए।
कासिम, करण, यहाँ का इनाम तो तुम्हें मिल गया। वो माल मुझे वापस कर दो जो तुम लोगों ने शेरा के वहां से लूटा है। शेरा का माल? वो जो तुम लोगों ने बैग में भर रखा है। देखो भाई अमर, माल को हासिल करने के लिए गोलियों की बारिश सिर्फ हमने झेली, इसलिए इस माल पे हक भी सिर्फ हमारा है। कैसे? शेरा ने लोगों को लूटा, हमने लोगों का लूटा हुआ माल शेरा से लूट लिया, और लूटा हुआ माल जब लूटता है तो उस पर हक किसी का नहीं होता। होता है, सरकार का हक होता है। अमर भाई, ये सब कानूनी दाव पेच का चक्कर छोड़ो, करण फॉलो मी। ठहराओ कासिम, इससे पहले कि मैं दोस्ती भूल कर कानून के तरीके अपनाने लगूं, माल मेरे हवाले कर दो। माल अगर तुम्हारे हवाले ना करूं तो? माल तो तुम्हें मेरे हवाले करना ही होगा कासिम। कासिम भाई, ये सामान की भारत ले कहाँ जा रहे हो? अबे ओ कासिम भाई की औलाद, ये सारा सामान मेरे बेटे हसन के लिए है। कल उसे घुमाने बरसों के बाद किसी हिल स्टेशन लेकर जाऊंगा, उसकी सारी शिकायतें दूर कर दूंगा। मगर अबे ओ मंकी ब्रांड, तू ये बन ठन के किधर जा रहा है? छोरे अपनी इससे मिलने, अपनी अम्मा से मिलने? अबे मेरा मतलब है फिर किसी लौंडिया को फांस दिया क्या? हाँ, बड़ी मुश्किल से यार, एक्टिंग कर कर के सीमा को मैंने अपनी मोहब्बत की सीमा में आके कसी। अबे ओ लल्लू राम, सीमा नहायत ही शरीफ और इज्जतदार घराने की लड़की है। एक बात बता देता हूँ बेटा, बेईमानी के भी कुछ उसूल होते हैं, चोर भी सात घर छोड़ के चोरी करता है। अबे ओ मंकी ब्रांड, ये जो तो यही कर रहे हैं ना साले, सोच समझ कुछ करना, पैसा से कुछ किया ना तो बद्दुआ लगे, बर्बाद हो जाएगा तू, बर्बाद। अरे छोड़ ना यार, क्यों बर्बादी की बात करता है? ओके ओके बाय बाय। जान कसम से दे डालूं, जान कसम से दे डालूं, अगर तुझ
कूलर की नंबर बंद है, क्या चांदी जैसा तन है, क्या सोने जैसा मन है, कूलर की नंबर बंद है, कूलर की नंबर बंद है। काहे इतना तरसाए, तो काहे इतना तरसाए, काहे इतना तरसाए, तो काहे इतना तरसाए। तेरे मेरे बीच में दिल पर और न कोई आ जाए, इतनी सी उलझन है, सारी दुनिया दुश्मन है, नंबर वन है तू लड़की, नंबर वन है, क्या चांदी जैसा तन है, क्या सोने जैसा मन है, तू लड़की नंबर वन है, तू लड़की नंबर वन है। मौजूद है तो सीमा, सीमा प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे प्यार करता हूं। प्यार किसे कहते हैं? पहले ये जाकर किसी शरीफ और इज्जतदार इंसान से पूछो, फिर अपने आप से सवाल करो, क्या तुम इस लायक हो? क्या हुआ मेरे बेटा हसन को? कहाँ मेरे बेटा प्रिंसिपल साहब? जी वो सुबह मैदान में बच्चों के साथ खेल रहा था, हाँ? और उसके बाद उसका कुछ पता नहीं चला। बच्चा स्कूल के मैदान से गायब हो गया और आपको पता ही नहीं चला? प्रिंसिपल साहब ये क्या कह रहे हैं आप? क्या यही इंतजाम है आपके स्कूल का? हेलो, जी हाँ है, हाँ। आपका फोन है, हाँ? मेरा फोन? हेलो, हेलो कासिम, तुम्हारा बेटा हसन इस वक्त हमारे पास। मेरा बेटा तुम्हारे पास है? हाँ। कौन बोल रहा तुम? ये जानने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, तुम बिना किसी से कुछ कहे चुपचाप स्कूल के कंपाउंड से बाहर आ जाओ, बाहर एक लाल गाड़ी खड़ी है, उसमें मेरा आदमी तुम्हारा इंतजार कर रहा है। समझे थे कि शेरा मर गया? अरे शेरा ने पैदा होने से पहले ही अपनी मौत को मार दिया था और फिर इस दुनिया में जन्म लिया था। मेरा बेटा कहां है?
हिफाजत से है। देखना चाहोगे? अब्बा, अब्बा, मुझे यहां से ले चलो अब्बा। ये लोग मुझे मारते हैं, डराते हैं, प्लीज। तुम लोगों की इतनी जरूरत। रुक जाओ कासिम। तुम्हारा एक कदम तुम्हारे बेटे को अभी और इसी वक्त मौत की नींद सुला सकता है। जगन सेठ, तुम? हाँ मैं। ये प्लान हम दोनों का था, दिमाग मेरा था और ताकत शेरा की। अगर तुम्हें अपना बेटा चाहिए तो हमारे लिए काम करना होगा। तुम्हें जिन बस के मुसाफिरों को अपने कब्जे में करके हम सरकार से अपने 25 आदमियों को छुड़ाना चाहते थे, उस प्लान को तुमने बिगाड़ दिया। और अब हमारे उन 25 आदमियों को जेल से छुड़ाने का काम भी तुम्हें ही करना होगा। यह नामुमकिन है। नामुमकिन? अगर तुम मेरे अड्डे पर हमला करके मेरे कैदियों को छुड़ाकर ले जा सकते हो तो मेरे 25 आदमियों को जेल से छुड़ाना तुम्हारे लिए कोई नामुमकिन काम नहीं है। और अगर तुम ये नहीं करोगे तो जानते हो तुम्हारे बेटे का क्या हशर होगा? Hey! मैं कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं, करना होगा। Hey, कासिम, सोच क्या रहे हो? यह काम तुम अपने बेटे को नई जिंदगी देने के लिए करोगे जो इस वक्त मौत के जबड़े में बैठा हुआ है। कर डालो, कर डालो। एक बात और, मुझे मेरे 25 आदमी चाहिए, पूरे 25। अगर एक भी कम रहा तो तुम्हारे बेटे के इस मखमली सर को कच्चे नारियल की तरह तोड़कर बिखेर दिया जाएगा। नहीं नहीं, मैं तुम्हारा काम करूंगा। अब्बा, मुझे छोड़कर मत जाओ अब्बा, मुझे छोड़कर मत जाओ, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ अब्बा, मुझे छोड़कर मत जाओ। हसन, अल्लाह तेरी हिफाजत करेगा बेटे। इस बाप बेटे के बड़ी मुसीबत की घड़ी है बेटे, हिम्मत रखना, हिम्मत रखना। मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा तुझे ले जाने के लिए। देख, इस मुसीबत की घड़ी में अपने बाप का साथ देगा ना? अपने अब्बू पर भरोसा है ना? अब्बू का साथ देगा ना बेटे? यह परवरदिगार, कासिम भाई, सीमा के बारे में आपने ठीक ही कहा था। आज मैंने एक फैसला कर लिया है, जीऊंगा तो इज्जत वालों की तरह और शादी करूंगा तो सिर्फ सीमा के साथ। घर बसा लेना दोस्त, लेकिन औलाद को कभी जन्म मत देना। इंसान हर दर्द बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन औलाद की जुदाई का गम एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। दूसरे दर्द तो जिस्म जख्मी करते हैं, लेकिन औलाद की जुदाई का गम खंजर बनकर रूह को टुकड़े टुकड़े कर डालता है। क्या बात है कासिम भाई, तुमको मेरी कसम कासिम भाई, बात क्या है? मेरा बेटा हसन। क्या हुआ हसन को? शेर और जगन सेठ ने उसे अगुआ कर लिया है। क्या? हाँ करण, उनका कहना है कि मैं जेल से उनके 25 कैदियों को आजाद करवाऊं, क्योंकि हम लोगों ने उनके कैद से अगुआ किए लोगों को रिहा करवाया था। ये लोग मुझे उसकी सजा दे रहे हैं।
कासिम भाई, इस काम के लिए मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। करण ही नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। रिश्ते सिर्फ खून के नहीं, इंसानियत के भी होते हैं। कासिम भाई, अगर हम अमर को भी अपने साथ मिला ले तो? नहीं करण, नहीं। अमर ने कानून की वर्दी भले ही उतार दी है, लेकिन वो अभी तक कानून का पुजारी है, और जो काम हम करने जा रहे हैं वो गैर कानूनी है, और अमर हर गैर कानूनी काम का दुश्मन है, इसलिए उसे इस बात की खबर तक नहीं होनी चाहिए। मुबारक हो शेरा, कासिम ने हमारे काम के लिए अपने साथ करण को भी शामिल कर लिया। एक बार हमारे आदमी जेल से रहा हो जाए, फिर मैं कानून से जन जन के बदले लूंगा। डकैतियां, लूटमार, आतंक, लीडरों के दिन दहाड़े कत्ल, ये तो तुम करोगे शेरा, लेकिन इस देश की शांति का जिस तरह मैं जनाजा निकालूंगा, उसको एक वक्त इंसान तो क्या ऊपर वाला भी। कौन हो तुम? आपका नया खादिम रहीम खान, पूछने आया था। आपको चाहिए तो पेश करूं। पूछने आया था या हमारी बातें सुनने आया था? बता किसकी जासूसी कर रहा है तू? जासूसी? और मैं बोल। पीछा कर, उसका भागने ना पाए। हेलो अमर बेटा, मैं रहीम बोल रहा हूँ। क्या बात है चाचा, इतने घबराए हो क्यों? बेटा कुछ बात ही ऐसी, तुम्हारे साथी करण और कासिम शेरा और जगन के कहने पर जेल से निहायत खतरनाक 25 कैदियों को छुड़ाने के लिए जा रहे हैं। क्या बात कर रहे हो चाचा, मैं उनको अच्छी तरह जानता हूँ, वो इतने जलील नहीं है। मेरी बात का यकीन करो अमर, मैंने शेरा और जगन की बातें छुप कर अपने कानों से सुनी है। कासिम, मैं जानता हूं तबाही का सामान लेकर बर्बादी फैलाने कहां जा रहे हो। बर्बादी फैलाने नहीं, अपनी तकदीर में लिखी बर्बादी मिटाने जा रहा हूं। बर्बादी को मिटाने या नोट को माने? या अल्लाह, तुम्हारा अल्लाह, भगवान, गॉड सभी हरे हरे नोट हैं, जिनके लिए तुम अपना ईमान तक बेच सकते हो, लेकिन आज मैं तुम दोनों को यह गुनाह नहीं करने दूंगा। हमें जाने दो दोस्त, खुदा का वास्ता जाने दो। कासिम, दोस्त तू इसीलिए रोकने आया हूं, अगर मैं तुम्हारा दोस्त ना होता तो आज जिस काम के लिए तुम जा रहे हो मेरे एक इशारे पर पुलिस की हथकड़ियां आकर तुम्हें रोक देती। आज कोई फांसी का फंदा भी लेकर आता तो हमें नहीं रोक पाता। चलो करण, खबरदार जो एक कदम भी आगे बढ़ाया। चंद सिक्कों की खातिर मैं तुम्हें देश से गद्दारी नहीं करने दूंगा। हट जाओ मेरे रास्ते से अमर, कहीं मेरे गुस्से की आग तेरे चिता की आग में न बदल जाए। चिताएं तो ये लोग जलाएंगे जिन्हें तुम जेल से रिहा कराने जा रहे हो, ना जाने कितने मासूम लोग मारे जाएंगे। इन लोगों को जेल से छुड़ाकर आज तुम इंसानियत का गला घोंटने जा रहे हो कासिम। आज मुझे कोई नहीं रोक सकता अमर, आज मैं हर दीवार तोड़कर निकल जाऊंगा। अमर, कासिम,
आज इसे मैं सबक सिखा के रहूंगा। आप इन्हें गलत समझ रहे हैं। मत बताना। तुम कुछ नहीं कहोगे अनीता। मुझे बोलने दो कसम। अमर, हसन शेरा की कैद में है और ये दोनों। क्या? हसन शेरा की कैद में? हाँ। ये कब हुआ, कैसे हुआ, उसके कब्जे में कैसे है वो? हमने आपका साथ दिया था ना, इसीलिए। वो हराम ज्यादा हमारे हसन को उठा कर ले गया। मुझे क्यों नहीं बताया, क्यों नहीं बताया पहले मुझे? अरे तू क्या समझता है मैं सिर्फ कानून के लिए बना हूं? मेरे सीने में पत्थर का दिल है, क्या हसन मेरा कुछ नहीं लगता? कासिम, दोस्त ना सही दुश्मन समझ कर ले चलो, कभी कभी दुश्मन भी काम आ जाते हैं। बेटे उठो, बेटे खाना खा लो, खा लो बेटे। अब्बा मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। ठीक इसके बीच में वो जेल है जहां शेरा के वो 25 खूंखार साथी कैद हैं। ये वो कैदी हैं जिनका मजहब तबाही है, जिनकी जबान कत्ल और खून है, जिनके जीने का मकसद है औरों के जीने का हक छीनना। वो जगह जहां वो शेरा के 25 साथी दूसरे बहुत से कैदियों के साथ काम करने के लिए आते हैं। दरअसल ये 3 ग्रुप में बटे हुए आते हैं, उनमें से एक 25 का जो ग्रुप है वो शेरा के आदमी है। ये वो पहला ग्रुप है जो रोजाना इसी तरह पुलिस की निगरानी में बंदूकों की नोक पर इस किनारे से उस किनारे तक पहुंचाया जाता है। जब तक पहला ग्रुप दूसरे किनारे तक पहुंच नहीं जाता, दूसरा ग्रुप इसी किनारे इंतजार करता है। इसी तरह दूसरे ग्रुप के पुल पार करने के बाद इस तीसरे ग्रुप को लाया जाता है। यह तीसरा ग्रुप शेरा के साथियों का ग्रुप है। काम खत्म होने के बाद इसी तरह अलग अलग ग्रुप में इन कैदियों को इस पुल से वापस ले जाया जाता है। जैसे ही यह तीसरा ग्रुप इस पुल पर से गुजरने के लिए बिल्कुल तैयार होगा, ठीक उसी वक्त लौट जाओ।
चलो जल्दी चलो, हमको शेरा ने भेजा है, चलो जल्दी चलो, चलो चलो जल्दी चलो, हम शेरा के आदमी हैं, जल्दी करो तुम लोग, चलो जल्दी जल्दी चलो, चलो जल्दी चलो। मुबारक हो शेरा, कासिम अमर और करण ने हमारे 25 आदमी को आजाद करा लिया। ये हुई ना बात, अब जरा कानून वालों से पंजा लड़ाने का मजा आएगा। ये सारे पुलिस डिपार्टमेंट के लिए डूब मरने की बात है। इतना सख्त पैरा होने के बावजूद 3 अजनबी आए और बड़े आराम से 25 कैदियों को निकाल कर ले गए। शर्म आनी चाहिए मुझे, वो 25 कैदी किसी भी हालत में जेल में वापस चाहिए। अंडरस्टैंड? लगता है वो लोग जंगल की तरफ निकल गए हैं। तुम लोग कुत्तों का इंतजाम करो। साली लड़कियां भी पीछे चल रही हैं, साथ साथ चलती हैं, तो उन्हें देखकर कुछ थकावट तो दूर होती। अरे मर गए, पानी चाहिए, रोटी चाहिए, भूख प्यास से जान निकली जा रही है। अबे ओए, तो आदमी है कि शैतान? अरे पुलिस वाले भी इतनी बेरहम नहीं होते रे। अब एक कदम और उठावा तो कलेजा फट के खून निकल आवेगा। बस अब हमसे नहीं चला जाता है। हाँ, नहीं चला जाएगा। किससे नहीं चला जाएगा? बहुत देर से तुम लोगों की बकवास सुन रहा हूं, अब किसी ने एक लफ्ज मुंह से निकाला तो जबान खींच लूंगा। हाँ मेरे पीछे। जानवरों की तरह नहीं, इंसानों की तरह खाओ। बैठा बैठा।
अकेले में बहुत डर लगता है चाचा, मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे यहाँ से ले चलो चाचा। डरने की क्या बात है बेटी, मैं हूँ ना। मुझे मेरे अब्बा के पास ले चलो चाचा, मुझे मेरे अब्बा के पास ले चलो, मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है चाचा। मैं मजबूर हूँ बेटे, मैं कुछ नहीं कर सकता, अब कुछ नहीं कर सकता। खाना खा लो बेटे, खाना खा लो। चाचा मुझे अकेले में मत छोड़ के जाओ चाचा, बेटे मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे नहीं मालूम कि बच्चा कैसे ऊपर चला गया, मुझे मेरा यकीन कीजिए सरकार, सरकार मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे कुछ नहीं मालूम सरकार, नहीं मालूम सरकार, मुझे कुछ नहीं मालूम। कासिम, छह कैदी भाग गए, कहाँ गए? अमर, इन कैदियों को किसी भी तरह से ढूंढना होगा, वरना शेरा की शर्त के मुताबिक अगर एक भी कैदी कम हुआ तो शेरा मेरे बच्चे हासिम को जिंदा नहीं छोड़ेगा। क्या कह रहे हो? ऐसा कभी नहीं होगा कासिम, मेरे होते ऐसा कभी नहीं हो सकता। हिम्मत मत हारो अनीता जी। सुनो, हम छह कैदियों की तलाश में बाहर जा रहे हैं, तुम दोनों होशियार रहना, ये रिवॉल्वर लो, इनमें से एक भी कैदी भागना नहीं चाहिए, समझ गए? क्या कह रहे हो तुम? ये दोनों इन 19 खूंखार कैदियों को कैसे संभालेंगे? हम सब ठीक कर लेंगे, आप लोग जाओ। क्या बेवकूफ की तरह तुम बात, जिद मत करो कसम, मासूम हसन की जिंदगी हमारी जिंदगी से ज्यादा कीमती है, तुम्हें खुदा का वास्ता, जाओ जल्दी जाओ। करण, गिव योर रिवॉल्वर टू हर, कम ऑन लेट्स गो। मार दूंगी। मारो,
चलाओ गोली, कितनों को मारोगी? तुम दोनों के पास दो रिवॉल्वर हैं और एक रिवॉल्वर में सिर्फ 6 गोलियां हैं। मतबल ई हुआ कि तुम सिर्फ 12 आदमी का जख्मी कर सकत हो, बाकी 7 आदमी का क्या करोगी रानी? और फिर बचे हुए 7 खूनखार शेरों की तरह तुम दो नादगिरनियों को कैसे कैसे नोचेंगे, ये तुम सोच लो।
के दूध की तासीर में कितनी ताकत है पता चला? हमारे बाप के बारे में जानना चाहते हो? मैं जानना चाहता हूं।
आइंदा कभी किसी ने भागने की कोशिश की तो उसका भी यही अंजाम होगा। रुक जाओ, ये देखो तुमने तो, लगता है वो कैदी यहीं आसपास ही है। कुत्तों को खोल दो। क्या होगा सर? अब कुत्तों के बगैर उन तक पहुंचना मुश्किल है। शेरा की शर्त, इसे मारकर तुम हसन की जिंदगी से खेलना चाहते हो? मुझे मालूम है, लेकिन मैं अपने बेटे हसन की जिंदगी बचाने के लिए अपने दोस्त की कुर्बानी नहीं दे सकता। बस मैं जानता हूं, लेकिन इसे बचाना होगा, हर हालत में इसे बचाना होगा। गेट मी द नाइफ। पहले वो जमीन पे गिरा हुआ खाना खाना, बाद में प्लेट वाला। ध्यान रखना।
हालत की जिंदगी के लिए इसे बचाना होगा। रस्सी पकड़ लो। संभल के करण, संभल के। शाबाश, शाबाश कर। तो ठीक है ना? ए, कासिम, he's all right. यहाँ जितने निवारे खाने को मिलते हैं उतने ही मिनट सोने को मिलते हैं। ज्यादा सोएगा तो जान से मार डालूंगा। भैंसे का बोझ हम कब तक उठाते रहेंगे? नीचे देख। मर गया। कासिम, मैंने तुझसे कहा था ना कि मुझे मेरे 25 के 25 आदमी चाहिए, एक भी कम नहीं। नहीं नहीं शरण, नहीं। देखो तुम मेरी जान ले लो, मेरे बच्चे को छोड़ दो। और मैंने जानबूझकर नहीं किया शेरा, नहीं सर, मैंने जानबूझकर नहीं किया शेरा, शेरा मैंने अपना वादा पूरा किया, अब तुम भी अपना वादा पूरा करो। वादा? कैसा वादा? कैसा वादा? ठीक ही तो कह रहा है, डाकू जिस तरह तिजोरी के ताले तोड़ दिया करते हैं, हम लोग वादे तोड़ दिया करते हैं। हराम! तुम लोगों ने पिछली बार मेरी हुकूमत पर हमला करके मेरी बहुत तबाही की थी, मेरे कई साथी मार डाले। अरे मैं अपने एक साथी की मौत पर बस्तियां उजाड़ देता हूं तो फिर तुम्हें कैसे छोड़ूंगा? बांधो इन्हें। चलो, तुम नहीं, तुम अकेले। हाँ, चलो जश्न मनाओ।
ए लड़कियों, उस दिन तो तुम हमारे लिए नाची थी, लेकिन आज हमारे इन साथियों का दिल बहलाने के लिए नाचोगी। तुम दोनों नाचती बहुत अच्छा हो। और सुनो, इस बच्चे की जिंदगी का मुकद्दर तुम्हारे पैरों में लिखा है। जब तक तुम नाचती रहोगी ये बच्चा जिंदा रहेगा, और जहां तुम्हारे कदम रुके अमर और करण पर गोलियां चल जाएंगी, और उनके कदम डगमगाते ही ये बच्चा मौत के फंदे से लटक जाएगा। तुम्हारी खामोशी को इंकार समझा जाएगा, और इंकार पर गोलियां चल जाएंगी। निगाहों से क्या देख रही हो? मैंने तो पहले ही कहा था कि तिजोरी के ताले और वादे तोड़ना हमारी पुरानी आदत है। नाचो। बहता है
इन सबको। पूरा बारूद के डब्बे बचा के, वरना हम सबकी जान जा सकती है। बारूद तुम लोगों की चेता के काम आएगा। पहले आखिरी बार तो
हराम जादे। मैं मरूंगा नहीं, शेरा ने पैदा होने से पहले ही अपनी मौत को मार दिया था। शेरा